आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि लुधियाना शहर में फौजरी का, गारमेंट का, क्लोथ का बहुत काम है, नए नए क्लोथ बनते हैं, लेकिन आज एक ऐसी मार्केट दिखाने जा रहे हैं जहां पर जो कपड़ा बेचने वाले हैं गुजरात से आए हुए हैं, और जहां पर जो पुराने कपड़े होते हैं उनको धो सवार कर और वो किस तरह जहां पर अपना बाज़ार से जाकर बैठे हैं और लोग गांव से दूर दूर से जहां खरीदने के लिए आते हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये हम आपको पहले बाज़ार दिखाएँ कि आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारा चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितनी भी हम वीडियो डालते हैं आपके शहर की या आपके जानकारी के लिए वो आपको मिलती रहेंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ये देखिए एक ऐसा कपड़ा बाजार है जहाँ पर जो कपड़े हैं जहाँ से खरीदने के लिए ये गुजरात से आए हुए लोग हैं, और जहाँ पर ये कपड़े बेचने का धंधा आज से नहीं सैकड़ों वर्ष से कर रहे हैं, आज़ादी से पहले ही ये यहाँ पर आकर बस गए थे। तो यहाँ पर ये कपड़े का काम करते, मैं अभी पूछता हूँ कितने साल हो गए उनका काम करते? कितने साल हो गए? सानू 30-35 साल हो गए जी। 35 साल हो गए। इतने अमरपुरे 35 साल हो चुके हैं। तो जहाँ पर ये देखे सारी गांठ जो लगी हुई है यहाँ पर, जो देखे ये गुजरात के लोग हैं सभी, और इस मार्केट से, और जब पहले लोग घरों में बर्तन वगैरह ये गुजराती लोग देकर, बर्तन देकर, प्लास्टिक का सामान देकर कपड़े लेकर जाते थे, उनको स्टिचिंग करके धो सवार कर फिर जहाँ मार्केट में लाकर बेचते हैं, और ये काम आज से नहीं ये बरसों से कर रहे हैं। और देखें जहाँ पर अगर आप ऐसे कपड़ा लेना चाहते हैं मशीन वगैरह साफ करने के लिए वो भी इनसे मिल जाता है। और देखें जहाँ पर जो गुजराती लोग हैं, और देखिए यहाँ पर ये जो गुजराती लोग हैं यहाँ पर जो कपड़ा बेचते हैं, और ये जो पुल के नीचे मार्केट बनी हुई है, जगराऊ पुल के नीचे जो मार्केट बनी हुई है रेलवे स्टेशन के पास ही है, और दूर दराज गांव से लोग कपड़ा जहाँ खरीदने के लिए आते हैं। और देखिए यहाँ पर जितने भी कपड़ा जहाँ से खरीद के लेके जाते हैं, और देखिए यहाँ पर जो बैठे हैं, आपका कपड़ा कितने कितने का होता है, कितने रुपए का कपड़ा होता है? ये अच्छा। तुसी कित्थों आए हुए हो? पहले कित्थों आए सीगे? अच्छे रहिंदे हैगे तुसी? ते गुजराती कित्थे ने? गुजराती जिहड़े कपड़ा बेचदे आ गुजराती? अच्छा अच्छा, उत्थे रहिंदे आ, ठीक है। और जे किले महल्ले से जो लोग हैं, किले महल्ले से आए हुए हैं जहाँ पर ये पौधे इधर मार दे बस, और 20-25 रुपए का आपको जहाँ कपड़ा मिल जाता है, और जैसे भी पेंट वगैरह जितनी भी हैं जहाँ सारा स्टिचिंग करने के बाद जहाँ आपको मिल जाएंगी। ऐसे खड़े और अभी हमने दिखाया कि जो जगराऊ पुल है इसके नीचे बैठकर जो कपड़ा बेचने वाले हैं, सबसे सस्ता जो कपड़ा है ये पहले बर्तन के साथ कपड़े लेकर आते थे, तो धीरे धीरे कर ये कपड़े इकट्ठे करते थे, और सर्दियों के वक्त ये सारा कपड़ा इनका बिकता है। वैसे भी ये हर संडे को जहाँ पर बाज़ार लगाते हैं, लेकिन आज ये जो बाज़ार है परमानेंट बन चुका है जो जगराऊ पुल के नीचे है, गाँव से जहाँ मोहल्ले बाहर है तो जितने लोग आते हैं 20-25 रुपये का, 30 रुपये का जैसा कपड़ा होता है उसी दाम में ये देते हैं। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दिलजीत।